अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल विद ख्वाजा। कल हमने आपको दिखाया था देना मार्केट पे ईद की रौनकें। आज हम लोग आए तारिक रोड पे और तारिक रोड पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे ईद की क्या रौनकें हैं। अभी हम लोग खड़े हुए हैं डॉल्फिन मॉल के बिल्कुल अपोजिट। हमारी बैक साइड पे डॉल्फिन मॉल है। आज डॉल्फिन मॉल का विजिट करते हैं और देखते हैं कि डॉल्फिन मॉल में क्या गहमा गहमी है और लोगों का रश कितना है। चलें चल के देखते हैं और आपको इसकी अपडेट देते हैं, तो आइए हमारे साथ। गहमे गहमी तो शुरू हो चुकी है ईद की और आप देख सकते हैं कि सबसे काफ़ी लोग शॉपिंग पर आए हुए हैं। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ये शूज की दुकान है लेडीज। बिन सुल्तान लेडीज शूज कलेक्शन की शॉप है। ये डेढ़ और के फ्रेग्रेंस की शॉप। ईद की रौनक ही अलग होती है, मज़ा ही अलग होता है। गहमे गहमी और चीज़ें जो हमें इसकी ईद से ही देखने को मिलती है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं रौनक अच्छी खासी है। सामने एक दुकान है, बिग सेल 50% ऑफ रखा हुआ है, चल के देखते हैं। 50% ऑफ है। रेट तो हम नहीं पूछ रहे, लेकिन जितनी भी शर्ट्स हैं ये सब 50% ऑफ हैं। कैजुअल भी हैं और फॉर्मल भी हैं। ये कुछ वैरायटी शर्ट की ये भी लगी हुई है, इसके अलावा टी शर्ट वगैरह ये सब 50% ऑफ पे हैं। और फिर इनके पास कुछ जेंट्स ड्रेस पैंट्स भी हैं, ये भी 50% ऑफ, हर चीज़ 50% ऑफ पे है। लेकिन बस अच्छा, ये कोट सूट 25% है। अच्छा, ये सूट जो है ये 25% ऑफ पे हैं। प्राइसेस तो हम आपको नहीं बता रहे, प्राइसेस बताएंगे तो पूरा डॉल्फिन मॉल हमें कवर करना मुश्किल हो जाएगा। एक वैरायटी शर्ट की ये भी है। शुक्रिया। जहाँ से निकलते हैं और देखते हैं और कोई और अच्छी कुछ सेल वाली दुकान दिखती है, हैं तो बहुत सारी, लेकिन देखते हैं और कौन सी सेल की दुकान दिखती है। ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये पूरा उसका व्यू है। और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए जी। बहुत थीम है, बाकी ये लोअर ग्राउंड फ्लोर चलाता है। वहाँ पे लेडीज ड्रेस, अच्छा कुछ जगहों पे अब सेल लगी हुई। जैसी बात है, ईद का सीज़न है तो काफ़ी लोगों ने सेल हटा दी हैं और कुछ जगहों पे अच्छी खासी भी सेल चल रही है। ये एक वॉच की शॉप है, वॉच फिट के नाम पे। सही बढ़िया आ गया। बैग्स एंड बॉक्स, वाह जी वाह, बैट एंड बैग का नाम ही चेंज कर दिया, बैग एंड बग हो गया, जबकि ये लेडीज बैग की दुकान है। ये देखें, ये शॉप पे पोलका डॉट जूनियर। इधर कुछ लेडीज बच्चों के शूज मिल रहे हैं। एक गॉसिप शॉप है लेडीज, ये अच्छी शॉप है जुगनी। लेडीज के वतन के थोड़ा काम वाले सूट मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छे फैंसी ड्रेस हैं यहाँ पे। शॉप जुगनी के नाम से है। सेल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हुई है, तो सेल देखती रही, लेकिन रौनक अच्छी खासी। जेंट्स शॉप है बिटन्स के नाम पे। ये
एक और लेडी शॉप है। सुनिए, ये फ्लोर तो हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। अब वो सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है देखते हैं। ये देखें, इस आउटलेट पे अच्छा खासा लेडीज का रश है। ये कबाया शॉप भी है और जहां के नाम से एलिवेटर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। एलिवेटर पे हम एक नेक्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं। इधर देखते हैं क्या क्या वैरायटी है और कुछ सेल सेल वाले कुछ सस्ते आइटम दिखते हैं तो वो आपको बताते हैं। सेल बहुत ही कम है। ये जी हमने रतलाम की एक शॉप है, एक खाली पड़ी है। अभी मेरे ख्याल से विंडो शॉपिंग वाले लोग ज़्यादा हैं और मेन शॉपिंग वाले कम हैं। नीचे फ्लोर पे तो हमें कुछ रश दिख गया था, लेकिन इस फ्लोर के ऊपर आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। शॉप खाली है लेकिन आवाम का रश है। लेकिन एक बंदे ने फ्री पैलेस्टाइन की शर्ट भी पहनी हुई है। निशात आ गया, निशात में देखते हैं। निशात के अंदर भी रश है, खाली है। इनका ये निशात का आउटलेट तो काफ़ी बड़ा है। इधर कुछ हल्की फुल्की गहमा गहमी दिख रही है हमें, लेकिन जितना रश होना चाहिए उतना नहीं है। हॉस्पिटल आ गया, ये तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर रश है इधर। चलो अभी इसमें 11-12 दिन है। इस फ्लोर पे तो इतनी गहमा गहमी नहीं दिखी। नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरे ख्याल से जितना ऊपर आते जा रहे हैं रश कम होता जा रहा है। यार इस शॉप के अंदर कुछ गहमा गहमी है, लेकिन इसका नाम है जनरेशन। शॉप की जनरेशन के साथ एक और ही शॉप है सचनी। इधर थोड़ा बहुत रश दिख रहा है, लेकिन जनरेशन में इस फ्लोर पर हमें सबसे ज़्यादा रश दिखा है। सर स्किन के नाम से भी शॉप है। अच्छा, ये एलिवेटर के पास एक और शॉप है साया। ये देखें, इधर रमदान 50% ऑफ है, तो इधर आप रश भी खरीद सकते हैं। साया के अंदर भी अच्छा खासा रश है। तो इस फ्लोर के अंदर हमें इन दो शॉप से रश दिखा, बल्कि आगे सफायर भी है, उसके ऊपर भी कुछ हलचल दिख रही है। ये देखा सफायर के अंदर, इधर भी अच्छा खासा वहाँ का रश है। बाकी ऑल टुगेदर देखें तो इन तीन शॉप के अलावा बाकी शॉप के अंदर रश नहीं है। आवाम ज़्यादा है लेकिन रश कम है। चलते हैं व्यूअर्स एलिवेटर से एक और नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं उधर के क्या हालात हैं। अच्छा, इस फ्लोर के बाद जो ऊपर वाला फ्लोर है उसके ऊपर फूड कोर्ट भी है और बच्चों की खेलने के गेम भी हैं। अगर आप लोगों ने आना है और बच्चों को भी थोड़ा एंजॉय करवाना है तो इधर आके बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। अच्छा, शीप के नाम से एक शॉप है, लेकिन ये भी आउटलेट खाली पड़ा हुआ है, इतना रश नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, ये दीन के नाम से एक और भी आउटलेट है, इधर भी इतना रश नहीं दिख रहा। जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं तो रश की तो वाट लग गई है। अच्छा, ऊपर वाले फ्लोर से सेल भी नहीं है इतनी। अच्छा, इसी तरह हम लोग अगर हम आगे जा रहे हैं आइडिया से मुझे उम्मीद है कि रश होगा, क्योंकि जो बड़े ब्रांड हैं इधर नॉर्मली रश होता है। ये जैसे नीचे जनरेशन पे था, सफायर पे था, अब आइडियाज़ पे देखते हैं आइडियाज़ पे क्या हालात हैं। अच्छा, एथनिक पे भी कुछ रश दिख रहा है हमें, थोड़ी बहुत पब्लिक यहाँ पर भी दिखी हमें। आइडियाज देखते हैं, आइडियाज में तो नॉर्मली रश होता है, इनकी सील अच्छी होती है। देखिए, हमारा अंदाजा सही था, आइडियाज से रश है लोगों का, अच्छा खासा रश है आइडियाज पे भी। अच्छा, बस चले ऊपर वाले फ्लोर को भी देखते हैं, उसके लिए हमें एलिवेटर की तरफ जाने की जरूरत है। इधर भी थोड़ा बहुत रश है,
इतना नहीं है, एक और शॉप की है। ये इस स्टोर पे लिबर्टी बुक्स भी है, अच्छी शॉप है ये, काफ़ी फेमस। एक और बच्चों की शॉप है कपड़ों की, बड़े अच्छे कपड़े मिल जाती, उसका नाम है हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच। अच्छा यहाँ पे आपको रश नहीं दिख रहा, अब ऊपर फूड कोर्ट पे देखते हैं, वहाँ पे तो रश होगा ही होगा। उनका जो गेमिंग जोन है सिंधबाद है मेरा ख्याल से, उधर भी रश होगा ही। इस शॉप पे भी हल्का फुल्का रश दिख रहा है। ये एलिवेटर आ गई, एलिवेटर से ऊपर करके देखते हैं क्या हालात हैं। ये देखिए हाँ, इस शॉप पे तो लेजर क्लब पे 50% ऑफ है, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ी है। चलें, ये एलिवेटर से एक स्टेप और ऊपर आ गए हम लोग। और फूड कोर्ट पे चल के देखते हैं, फूड कोर्ट पे भी जैसे पब्लिक होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, रश है, लेकिन एक ज़माना था ये फुल होता था आम दिनों में। फूड कोर्ट है और सिंधबाद तो देखें, सिंधबाद ऑलमोस्ट खाली है, इतना रश नहीं है सिंधबाद पे। ये भी एक ज़माने में अच्छा खासा फुल होता था, रश होता था, लेकिन ये देखें खाली पड़ा हुआ है, इतना होने के बराबर रश। एक तो रेट्स ही ज़्यादा हो गए सिंधबाद के, देखें रेट्स ये हैं। और अंदर आराम से रख देखें, ना होने के बराबर रख। ये फूड कोर्ट का हाल है, फूड कोर्ट के ऊपर तो लोग आपको बताइए शॉपिंग करने आते हैं, ना भी खाना हो तो बच्चे नहीं छोड़ते, तो बच्चों की खातिर लोगों को बैठना पड़ता है, कुछ जैसे इंजॉय करने आ जाते हैं वो बैठते हैं। तो फूड कोर्ट पर नॉर्मली रश रहता ही है, लेकिन जैसा रश होना चाहिए था ईद के हिसाब से, मैं समझ रहा था कि ये सब फुल होगा, लेकिन फुल नहीं है, और तकरीबन आप समझ लें 50% ऑक्यूपाइड है और 50% सीट्स खाली हैं। आज हमने डॉलमेन बॉल कवर किया काली रोड पे, अगर आप हमारी वीडियो लाइक करें तो हमें शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और नए आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।